हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ। देखिए, मैं आपके लिए एक जॉब लेकर आई हूँ, ये आ रही है हमारी सीमेंस की तरफ से। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी अच्छी जॉब है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी देती है। तो दोस्तों, अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि फॉर्म को किस तरीके से फिल करना होता है और आप लोगों को किस तरीके से जॉब वहाँ पर जाकर सर्च करनी है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ। अब देखिए, आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर, आप लोगों को गूगल क्रोम पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है इस तरीके से सीमेंस। आप लोग जब सर्च कर देंगे, यहाँ पर टाइप कर देंगे, तो यहाँ पर आपको देखिए एक सर्च बार का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप सर्च बार पर क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको देखिए इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। मैं पहले से ही ओपन कर लिया है। देखिए, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को, अगर आप लोग दिक्कत होती है आप लोगों को करने में, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लिंक दे दूंगी। अब देखिए, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसकी ऑफिशियल साइट को ओपन करना है। देखिए, जिस पर जैसे ही आप लोग इस तरीके से आप ऑफिशियल साइट पर आएंगे, आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, आप लोग देखिए इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। देन आप लोगों को देखिए साइड में यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप लोग को ये देखिए यहाँ पर ये थ्री एरो दिखाई देंगे, यहाँ पर थ्री लाइंस दिखाई देंगी। इन थ्री लाइंस पर आप लोगों को जाना है। जब आप इस थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार का आप लोगों को यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। न्यू टैब खुलने, इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, आपके में जब इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है जॉब एंड क्लियर करियर। तो आप लोग को जॉब एंड करियर साइट पर आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है। देन आप लोग जब क्लिक करेंगे तो आप लोग का एक नया टैब खुलेगा, जो आप लोग को इस प्रकार का न्यू इंटरफेस दिखाई देगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे आप लोग, यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद थोड़ा दिखाई देगा आप लोग को अप्लाई नाउ। जब आप लोग इस नए टैब पर जाकर स्क्रॉल करने के बाद अप्लाई नाउ का आप लोग को ऑप्शन दिखाई दे, तो आप लोग को अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। ओके, देखिए आप लोग जब क्लिक कर देंगे तो आपका एक और न्यू टैब खुल जाएगा। देखिए, मेरे में खुल चुका है। इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, आप लोगों को अब यहाँ से जॉब सर्च करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जॉब्स किस प्रकार सर्च करना है। देखिए, यहाँ पर आप लोग का जॉब सर्च करने के लिए लोकेशन दे रखी है। अगर देखिए आप लोग यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं और भी पहुँच जाएंगे। जैसे देखिए, ये किस कुछ अलग टाइप की लैंग्वेज लिखी है, तो जैसे चाइनीज़ वगैरह इस अलग आप लोग कंट्री में पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को अपनी कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, ये जो सर्च लोकेशन है, आप लोग अब आप लोगों को क्या सर्च करना है, इंडिया सर्च करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को इस तरीके से टाइप कर देना है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर दिया है, तो आप लोग का इस तरीके से इंडिया लिख जाएगा। आप जब यहाँ पर इंडिया लिख दें, आप लोग को राइट हो जाए, तो आप लोग को एक और काम करना है। आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा रहा है रिवेंस। तो इस पर क्या करना है, इसके साइड में यहाँ पर देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, ये छोटा सा आप लोग को क्या दिख रहा है, ये इस प्रकार का एरो दिख रहा होगा। इस एरो पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना, पोस्टेड पे क्लिक कर देना है। ओके, तब आपका पोस्टेड पे आप लोग क्लिक कर देंगे तो आपको देखिए एक और आप लोग को यहाँ पर इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, ये आप लोग को सर्च बार। तो देखिए, ये जो सर्च बार होता है, इस पे क्या करना है, आप लोग को सर्च करना है। जिससे क्या होगा, पोस्टेड पे आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और पोस्टेड पे सेलेक्ट करने के बाद सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, जो भी जॉब पोस्ट की गई होंगी वो आप सर्च कर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए आप लोग को यहाँ पर सर्च कर देना है। मैं आप लोग को सर्च करके बता देती हूँ, बट इससे पहले मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस वगैरह काफ़ी कुछ दे रखा है, एक्सपीरियंस एंड देखिए लोकेशन। तो देखिए आप लोग यहाँ से अपनी लोकेशन भी सेट कर सकते हैं, किस प्रकार की आप लोग को कहाँ की लोकेशन चाहिए। तो मैं आप लोग को यहाँ से सिर्फ इंटरफेस खोल के बता दे रही हूँ, जहाँ पे आप लोग की जॉब होगी, जहाँ पे आपको लोकेशन है, वहाँ पे आप लोग की देखिए लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और आप लोग जॉब देख लेंगे। अब देखिए, अगर आप लोग का एक्सपीरियंस है तो आप लोग देखिए कितने एक्सपीरियंस हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों को क्या करती हूँ, यहाँ पर सर्च कर देती हूँ। देखिए
आप लोगों को अब एक और चीज़ बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर एक साइड में आप लोग को दे रखा होगा ये इस प्रकार से इंटरफेस। तो इस इंटरफेस का मतलब है आप लोग जब इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से तो आ जाएगा 5, 10, 25, 50 किलोमीटर। इसका मतलब है आप कितनी दूरी तक के एरिया में आप लोग जॉब सर्च कर रहे हैं। मतलब आप लोग यहाँ पर सर्च कर, अगर आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है किलोमीटर, तो मतलब आप लोग कितने किलोमीटर के एरिया में लोकेशन में सर्च कर रहे हैं, मील्स में सर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप सर्च कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए मील सर्च कर रखा है, मतलब थोड़ा दूरी का डिस्टेंस सर्च कर रखा है। तो मैं उतने में आप लोग की जॉब सर्च कर रही हूँ। अगर आप लोग को किलोमीटर में जॉब सर्च करनी है तो वहाँ पर जाकर आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग को ये सारी चीज़ें करने के बाद जिस तरीके से आप कर लेंगे, आप लोग को यहाँ पर देखिए मैंने आप लोग को अभी जस्ट आप लोग को बताया था इस तरीके का ये जो इंटरफेस है सर्च बार का, आपको सर्च कर देना है। देन आप देखिए सर्च कर देंगे, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, बट देखिए यहाँ पर जॉब सर्च हो जाएगी। जब जब आप लोग की जॉब सर्च हो जाएगी तो देखिए यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी जॉब निकल कर आ गई हैं ये इस तरीके से। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पोस्ट हुई है, आज की डेट में ये पोस्ट हुई है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ओके देखिए ये आज की डेट में ये जॉब पोस्ट हुई है, ये देखिए यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र थाना, महाराष्ट्र इंडिया, नासिक महाराष्ट्र इंडिया। तो देखिए अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा डिटेल जाननी है तो आप ये जो और जैसे ऑर्डर मैनेजमेंट लिखा है आप इस पर क्लिक करें और इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, क्या क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है, या कोई भी चीज़ आप लोग को इसके बारे में, जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या वर्क है, जो भी चीज़ आप लोगों को पढ़नी है वो सारी चीज़ें आप इस पर देख कर कर आप पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप जैसे जैसे देखिए नीचे देखते जाएंगे आप लोग को जॉब दिखती जाएगी। देखिए मैं आप लोग को एक करके दिखा देती हूँ। फर्स्टली देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है किसी भी, मैं स्पेशली एक्सपीरियंस वालों के लिए भी बता देती हूँ क्या होता है कि कभी कभी देखिए यहाँ ये जो फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए है जॉब। देखिए ये जो है इस पे ये वाली जो जॉब है ये एक्सपीरियंस वालों के लिए, ये जो है जॉब हमारी यहाँ देख सकते हैं बेंगलुरु में है और कस्टमर सर्विस की जॉब है। और देखिए आप लोगों की जो है जॉब आज की डेट में ही पोस्टेड की गई है। अगर आपको इस जॉब के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, जो भी है, कितनी आप लोगों की क्वालिफिकेशन होगी, क्या आप लोगों के डॉक्यूमेंट, क्या जो भी है आप लोग का एक्सपीरियंस, आप लोग इसके जॉब डिस्क्रिप्शन से जाकर पढ़ सकते हैं। ओके तो आप लोग को क्या करना है, सिंपली आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए मैं यहाँ पर ये लिखा है HSC इंजीनियर, इस पर क्लिक कर रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। मैं जब इस पर क्लिक करूँगी तो इसके बारे में काफ़ी कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में जैसे इस तरीके से आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर देखिए क्लिक की तो देखिए लोकेशन आ गई, जॉब फैमिली, इसकी जो रिक्वायरमेंट आईडी है ये आ गई। तो इस तरीके से आप लोग का आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये इस तरीके से आप लोग को जो भी चीज़ें हैं आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। और आप लोग को यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लिखा आएगा, जो भी चीज़ें हैं आप लोग को यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग को अप्लाई करना है तो ये अप्लाई के बटन पर आप लोग को क्लिक करना है। देखिए मैं आप लोग को थोड़ा अप्लाई करके बताती हूँ। तो मैं पहले इससे पहले देखिए ये अप्लाई करके बता देती हूँ। ये जो है आप लोग इस अप्लाई के साइन पर क्लिक करेंगे, देखिए हो रहा है धीरे धीरे। तो देखिए इस प्रकार का आप लोग के में इंटरफेस खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये मांग रहा है ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। तो ईमेल आईडी अगर आपने सीमेंस का पहले भी कभी फॉर्म भरा है या फिर किसी भी प्रकार से आप लोगों ने ईमेल आईडी इसमें ओपन की है तो आप लोग पुरानी ईमेल आईडी डालकर, पुराना पासवर्ड डालकर यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अगर आप लोग पासवर्ड या ईमेल आईडी भूल गए हैं तो देखिए यहाँ पर दे रखा है फॉरगेट पासवर्ड। तो फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर आप लोग वहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं पासवर्ड, एंड अगेन आप लोग अपने यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने कभी भी यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया है, आप लोग यहाँ पर फ्रेशर हैं और यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर भरनी है और पासवर्ड भरना है सिंपली। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, भरने के बाद देखिए सबमिट कर देंगे। तो चलिए मैं आप लोग को करके बता देती हूँ यहाँ पर थोड़ा। अब देखिए मैंने अपनी ईमेल आईडी भर दी है, अब मैं यहाँ पर सबमिट के, आप लोग जब अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड भर देंगे, रजिस्टर हो जाएंगे, तो देखिए आप लोग के पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो देखिए इस प्रकार के यहाँ पर इंटरफेस आने के बाद आप लोग को दिखाई देगा यहाँ पर प्राइवेसी एंड पॉलिसी। तो इसकी प्राइवेसी एंड पॉलिसी को आप लोग को एग्री कर देना है। देखिए मैं यहाँ पर ये आप लोग को दे रखा है, मैं यहाँ पर देखिए ये जो है आप लोग को एग्री कर देना है। तो मैं यहाँ से एग्री करने वाली हूँ, आप यहाँ पर
देखिए मैं एग्री करने के बाद यहाँ पर देखिए रजिस्टर करा रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर जो भी जो रजिस्टर करा रहा है तो आप लोगों को रजिस्टर करना है, ईमेल आईडी पासवर्ड अगेन, और देखिए ईमेल आईडी वही डालें जो आपने रिज्यूम में डाली होगी, अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर करें, लास्ट नेम एंड सेलेक्ट लैंग्वेज, आप लोग को लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर कंसिडर करना है। आप लोग जब यहाँ से रजिस्टर हो जाएंगे तो देखिए आप लोग का यहाँ पर एक और यहाँ पर देखिए इंटरफेस खुलेगा। आप लोग का जब इंटरफेस खुलेगा तो आप लोग का काफ़ी जैसे एक्सपीरियंस है या फिर आगे आपको रजिस्टर करना है तो आपसे सारी चीज़ें मांगेगा, जैसे आप लोग एक्सपीरियंस हैं या फिर फ्रेशर हैं या किस लोकेशन में जॉब पाना चाहते हैं या फिर किस, तो इस तरीके से आपकी सारी इंटरफेस आपका खुलने के बाद आपको वहाँ पर डिटेल भरनी है, आपकी जो भी आपकी सही सही डिटेल है आप उसे भरने के बाद सबमिट कर दीजिए। तो देखिए आपके पूरे पूरे चांसेस होते हैं इस तरीके से आप लोग अच्छे से भरेंगे आप लोग अपनी फॉर्म को। तो मैंने आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, और दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दिए, आपका कुछ नहीं जाता है बट आपका हमारे एक मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए एक इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।